जय दोस्तों, अनिल सराठिया यूट्यूब चैनल आपसे एक बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो आरआरसी सिकंदराबाद का साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का ऑफिशियल रिवाइज शेड्यूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जारी कर दिया गया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि एससीआर सिकंदराबाद का अप्रेंटिस निकल के आया था, जिसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। साथ ही इसका डीवी का डेट भी आ गया था, और इसका डीवी का डेट फिर पोस्टपोन हो गया था, फिर इसका डीवी का डेट जारी किया था। ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया था, मैंने कई दिन पहले ही आपको अनऑफिशियली बता दिया था कि आपका जो मार्च में 2 तारीख से आपका डीवी जो है स्टार्ट होने वाला है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। दोस्तों, 31 जनवरी का डीवी का डेट था, हालांकि उसका कोई डेट नहीं आया था। 3 फरवरी का कोई डेट नहीं होने के बाद ही यहाँ पर दे दिया गया था, हालाँकि उसको सुधार करके ओरिजिनल और ऑफिशियल और सही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है उसको सिकंदराबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर एससीआर के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। तो आप गूगल पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, अनिल सराठिया वेबसाइट पर भी आएगा, तो वहाँ पर भी आपको अपलोड है सभी सही जानकारी। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन उस समय गलती एक था, और वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही गलती थी। हमने तो कुछ गलती बताया नहीं आपको, हम तो चाहते हैं सभी चीज़ आपको सही मिले। और यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक, सभी लिंक आपको दे देंगे। आप अनिल सराठिया वेबसाइट पर जाएगा, करियर ऑप्शन पर जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एससीआर सिकंदराबाद अप्रेंटिस फंक्शन का जो डेट है, साथ ही आपको यहाँ पे कॉल लेटर कल भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे, देखिए यहाँ पे सब सही से डेट आ चुका है। डेट हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको जाए तो आपको यहाँ पे देखिए सभी चीज़ यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरिट लिस्ट, कॉल लेटर, नोटिफिकेशन, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, 247 बच्चे हो चुके हैं, और अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे तो ये 5वां भी ग्रुप फुल हो जाएगा, तो आपके साथ सभी दोस्त एक साथ जाके चले जाए डीवी कराने। ठीक है, चलिए आगे की जानकारी लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है, यहाँ पे कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर दिया था डीवी का डेट, जो कि 5895 कैंडिडेट थे। जो डीवी का डेट है ऑफिशियली जो आया हुआ है 27 जनवरी का 2 मार्च को, और 28 जनवरी वाला 3 मार्च को। यहाँ से गड़बड़ी हुआ है, 31 जनवरी वाला डीवी जो था अब हो गया है 7 मार्च को, एक वाला हो गया 8 मार्च को, और 2 फरवरी वाला हो गया 9 मार्च को। यहाँ वाला पहले नहीं था, 31 जनवरी हट गया था, एक वाला 7 को था, 2 वाला 8 को, 3 वाला था 9 को। तो ये हटा करके अब जो आ गया है 31 जनवरी 7, 1 वाला 2 और 2 वाला सॉरी 1 वाला 8 और 2 वाला 9 तारीख को डीवी होने वाला है। तो अगर आपका यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि हुई होगी, 1 और 2 तारीख वाला, इन दोनों को दिक्कत हुई होगी थोड़ा सा डीवी डेट में, तो अपना थोड़ा मैनेज करिएगा, अपना देख लीजिए। आपको 1 तारीख का है तो आपको 8 तारीख को जाना है, 2 तारीख वाला है तो 9 तारीख को। ये कन्फर्म नोटिफिकेशन है, 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं, और वो भी था, लेकिन ये वो भी आरआरसी ही जारी की थी, लेकिन उस पर थोड़ा त्रुटि थी, 31 नहीं आया था और 3 आ गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको सुधार करके आपको बहुत जल्द ही देखने को मिला है, तो मिल चुका है। यहाँ पे देखिए बताया गया कि जो डेट है और वेन्यू जो है, जो ये डेट ये है और टाइम और वेन्यू जो है आपका मेंशन किया जाएगा, जो कि आपको कॉल लेटर पर जो कि आपको भेज दिया गया। आप मेल चेक करिएगा तो मेल पर भी आया होगा, या आप एक काम कीजिएगा, आप कॉल लेटर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, वहाँ से कॉल लेटर भी डाउनलोड करके भी चेकआउट करिए। नीचे कमेंट करके बताएगा कि क्या कॉल लेटर डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कॉल लेटर आ चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉल लेटर, लेकिन यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट ऑफलाइन यानी कि 4 अक्टूबर को जो गए थे यहाँ पे अप्रेंटिस मेला में भाग लिए थे, उनका यहाँ पे कॉल लेटर डिड नॉट रिसीव, वो कॉल लेटर रिसीव नहीं करेंगे बताया गया है। द रिवाइज शेड्यूल डेट विथ द कॉपी ऑफ द लिस्ट, आपको जो यह लिस्ट हम प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे कॉल मेरिट लिस्ट में, तो मेरिट लिस्ट में डेट और जगह के अनुसार, डेट तो आपको बता ही दिए हैं, जो पैलेस प्लेस है वहाँ पर आपको पहुँचना है जो ऑफलाइन वाले कैंडिडेट हैं वो, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के कैंडिडेट जाने वाले हैं, एक ऑनलाइन फॉर्म भरे थे और एक 4 अक्टूबर को अप्रेंटिस मेला में भाग लिए थे, वो 2 तरह के कैंडिडेट हैं। यहाँ 5वां में देखिए तो शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट हुए हैं उनको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाना है, 2 सेट फोटोग्राफ्स लेकर जाना है, यहाँ पे तो बताया गया 2 सेट फोटो कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बताए हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में या कॉल लेटर पे आपको मिलेगा, वो सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 कॉपी आपको लेकर जाना। ठीक है, और आपको आरडाट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। हम यहाँ पर एक काम करें, कुछ ही देर में वीडियो अपलोड करने के
पे हम RDOT का एक लिंक दे देंगे कि RDOT का ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा। और DB का जो डेट है और टाइम है चेंज अब नहीं होगा बता दिया गया है। ये देखिए 5 फरवरी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर आज जारी किया गया है, तो देख लीजिए इसको 15 फरवरी को आया था। और अपना चेकआउट कर लीजिए अपना DB का डेट और अपना कॉल लेटर चेकआउट कर लिए, कॉल लेटर डाउनलोड करिए, बताइए नीचे डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉल लेटर डाउनलोड हो रहा है तो उसको लेके सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको DB कराना चाहिए। और कोई भी नोटिफिकेशन आया तो चैनल के माध्यम से बताएंगे। फिलहाल देखिए तो चैनल पर बहुत सारे अप्रेंटिस आए हुए हैं, वैकेंसी आई हुई है, तो आपका इससे सलेक्शन नहीं हुआ तो देखिए अभी टाटा का ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट आया हुआ है, हाल रिक्रूटमेंट आया, CPET है। और इधर है तो रेलवे का नया अप्रेंटिस आया है, सेंट्रल रेलवे है, ईस्ट कोस्ट रेलवे है, तो चेकआउट कर लीजिए। जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसको फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए ताकि इस तरह के सारे अपडेट्स आपको हम समय समय पर देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।